चोखा बिघन करावेगा यो चोखा बिघन करावेगा यो वायरस नाम करोना रे बात करूं मैं भारत की। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम जैसे कि पूरक क्षेत्र में सप्तो क्षेत्र में घूमती रहती है, जहां जहां भंडारे हैं, जहां जहां पर सेवाएं चल रही है वहां पर हम पहुंचे। हमारी टीम है, संदीप बहुत हमारे साथ है, प्रदीप हरियाणी भी हमारे साथ रहते हैं। तो लगातार हम काम करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कौन कितना काम कर रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे थे जो अन्नपूर्णा भंडार है, खानसर चौक, डेरा खानसर तीर्थ बाबा हेतराम का जो आश्रम है वहां पर जो चल रहा है। नगर के समाज सेवी है, बुद्धिजीवी है, इससे जुड़े हैं और लगातार यहाँ पर दानी सज्जनों का आना जाना लगा रहता है। और इसी क्रम में आज यहाँ पर विजिट करने के लिए या यहाँ पर सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं करमवीर सैनी जी, वो हमारे साथ हैं। सर स्वागत है। थैंक यू। ऐसे लॉकडाउन 15वां दिन है, सभी लोग अपने अपने तरीके से सेवाएं करने में लगे हुए हैं। आप आज सफीदों में हैं, कहाँ कहाँ आप विजिट कर रहे हैं, क्या आपका मंतव्य है? मैं हर जगह जो है जहाँ जहाँ पे भंडारे चले हुए हैं, चाहे जैन स्नातक है, अग्रवाल धर्मशाला है, सैनी धर्मशाला है, गार्ड धर्मशाला है, फिर यहाँ खानसर चौक पे है जी। हर जगह जाकर के हम जो यहाँ पे रुके हुए उनसे मैंने मुलाकात की है जी। और हर रसोई में जाकर के इंस्पेक्शन किया, देखा है किस तरह से तैयारियाँ, किस तरह से भोजन बना बना के भेजा जा रहा है, किन गरीबों को भेजा जा रहा है जी। और किस किस चीज की जरूरत है, और मैंने ऑफर भी किया है। सिर्फ निरीक्षण करने का ही काम है या सहयोग भी कर? मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैंने हर जगह ऑफर किया है जी। और मैंने कहा है जो जो भी जरूरत है जिस चीज की मैं देने के लिए तैयार हूँ। और हमने साथ में दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजेशन जो हमें हम भेजने का काम साथ के साथ दे भी रहे हैं। जितने मेंबर काम कर रहे हैं हर जगह हम बांटने का काम कर रहे हैं। जींद से सफीदों की दूरी 33 किलोमीटर, 14 दिन नहीं लगे करमवीर सैनी को जींद से सफीदों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे पहले भी आपसे संपर्क आ चुका है, इससे पहले भी 2 बार राउंड कर चुका हूँ मैं। सफीदों मेरा मकान है, मेरी कुटी है, इसलिए सफीदों तो रहना सहना वैसे भी आना जाना रहता है, और फिर लोगों के सफीदों में भी आता हूँ। ठीक है, इसमें वो तो रहनी आपसे मुलाकात आ चुकी है। क्या सफीदों में 2 बार आए हैं, जिंद में कितना आप ग्राउंड पे या लोगों के? जिंद में मैंने ऑफर किया है, मैंने प्रशासन को भी ऑफर कर दिया था जहाँ मेरी सेवाओं की जरूरत है। मैंने यहाँ भी एसडीएम से भी बात की थी, मैंने एसडीएम साहब से कहा था जहाँ जिस चीज की भी जरूरत है हमारी ड्यूटी जहाँ भी लगानी हो सबसे प्रशासनिक तौर से भी हम जो है पूरा सेवा करने के लिए तैयार है। और भोजन की कहीं कमी हो और किस चीज की व्यवस्था कमी हो तो हर लिहाज से मदद करेंगे। तो क्या सिर्फ एक नेता के तौर पे या एक इंसानियत के तौर पे आप मैदान में? हम इंसानियत के तौर पे मैदान में, नेता के तौर पे नहीं, हम लोगों के साथ हैं, भाई हैं पहले और राजनीति बाद में है। क्या संक्रमण का डर नहीं लगा कर? बचाव करके चलते हम, ऐसा हम हमारा मकसद है सबकी रक्षा करना और अपनी भी रक्षा करना, बचाव करना, लोगों को बताना कैसे ये बीमारी फैलती है, क्या इसका इलाज है जी। तो हम इससे बात से भी अवगत कराते हैं सब। परिवार ने कभी डर दिखाने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबको पता है, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं और उनको पता है ये बीमारी ऐसे नहीं लगती, किस हिसाब से बीमारी लगती है, कैसे इसका समाधान है, क्या इसका इलाज हो सकता है, वो सबको हम अवगत कराने का काम करते हैं। सफीदों के तकरीबन हर जो खाना बना रहे हैं संस्थाएं वहाँ आप जा रहे हैं, शेल्टर होम है सफीदों में, वहाँ का निरीक्षण किया आपने? मैं हर जगह शेल्टर होम का निरीक्षण कर रहा हूँ, अभी आज बीच में ही हूँ अभी मैं तो, अभी जाएंगे सब जगह, जाने लग रहे हैं, सब जगह गए हैं। सैनी धर्मशाला में सबसे मिल के आया हूँ, अभी शेल्टर होम बढ़ा रखा है वहाँ, मैंने पूछा है सब बिल्कुल संतुष्ट है, खाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ, हर जगह अच्छा प्रबंध है, यहाँ पे खानसर पे बहुत अच्छा प्रबंध है, मैं जहाँ भी गया हूँ 3 जगह गया हूँ अभी तक। तो क्या श्रेय देंगे जो संस्थाएं हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, श्रेय देंगे उनको? इसमें कोई दो राय नहीं, जितने भी सामाजिक संगठन है बहुत अच्छा इंजाम अपने पैसे से खुद कर रहे हैं, और इनकी जितनी भी बढ़ाई करी जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस बुरे टाइम में जब बीमारी फैलने का डर है, बीमारी लगने का खतरा है,
और इन बातों की परवाह ना करते हुए भी समाज की सेवा कर रहे हैं, भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं। संस्थाएं अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, प्रशासन के पास जो फंड आया, जो पैसा आया, प्रशासन सफीदों प्रशासन खासकर उसको नहीं लगा रहा, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ लोगों में इतनी दरियादिली है, सामाजिक तौर से इतने सक्षम है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बलबूते पर, शायद उसके ना जरूरत पड़ी हो अभी तक। भी प्रशासन की जुबानी बोल रहा नहीं, मैं प्रशासन की जुबानी नहीं बोल रहा, यही कहना है कि जब तक आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत दरियादिल इंसान है, सब चीजों से ऊपर उठ के, राजनीति से सब चीजों से ऊपर उठ के लोग दान दे रहे हैं, आगे से आगे बढ़ के दान दे रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं, चाहे वो किसानों को 2-2 हजार रुपए देने की बात है, चाहे बीपीएल कार्डों को वालों को मुफ्त मेला अनाज देने की बात है, बहुत सारी सुविधाएं, इतनी सुविधाएं देने का काम किया, अनगिनत सुविधाएं सरकार ने खूब सारी सुविधाएं दी है, दे रही है, फिर क्यों नहीं है बीपीएल कार्ड के धारकों को भी वो अनाज देते? नहीं, मंजूर कर दिया उन्होंने, लागू कर दिया है सबको, कल से लागू कर दिया है। पीला कार्ड जो है, गुलाबी कार्ड सब पे कल जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, सबको देने का काम कोर्ट ने कल ही फैसला लिया है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों के लिए, अब एपीएल कार्ड जो हरे कार्ड है उन पर भी राशन मिलेगा, तो अब किंचित भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चाहूंगा मैं आपसे कंचन टीवी के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के लिए क्या संदेश दूंगा? मैं तो ये कहूंगा सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, एकांत में रहें और अपना ध्यान रखें, बार बार अपने हाथ जो है वो डिटॉल से धोएं, सैनिटाइजेशन करें, और जितना भी हो सके मैं समझता हूँ बार बार यही मैसेज दूंगा, वो एकांत में रहें और सरकार के द्वारा जो भी लॉकडाउन किया हुआ है उसका पूरी तरह से पालन करें, यह हम सब के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो देखा आपने करमवीर सैनी जी जो कहते हैं कि प्रशासन का बचाव भी करते हैं और कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, और उससे अच्छा काम जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कर रही है, और वो कहते हैं कि दानी सज्जनों ने इतना काम किया है कि वाकई में सरकार की या किसी प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि दानी सज्जन निकल के आए, सामने आए, जरूरतमंदों की सेवा के लिए वो खड़े रहे। ये संदेश हमारा भी, यही संदेश है कि जो जरूरतमंद है आपके आसपास उसकी सहायता करने में आप किंचित भी संकोच ना कीजिएगा, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी आवश्यकता है, समाज को आपकी आवश्यकता है, देश को आपकी आवश्यकता है, देशभक्त बनने का एक सुनहरा मौका है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, किसी न किसी से हम बड़ी शख्सियत से आपकी बात कराते रहेंगे, उनके सहयोग की, उनके जो भी कार्य है उनको दिखाते रहेंगे, इस लॉकडाउन में वो क्या कर रहे हैं।